यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है एंड इसका मोटिव किसी भी गेम कंपनी या किसी इंसान को कोई सा भी नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है एंड इसका मोटिव केवल एजुकेशन है। तो यार स्ट्राइक मारने से पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। सो हे व्हाट्सअप गाइस, डेवलप आई गेमिंग हियर। अब देखो यार, काफ़ी सारे भाई लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई यार हमें NPC नेम सिखा दो FF एंड FF मैथ्स का, वो भी यार मतलब अपडेट के बाद, क्योंकि यार जो अभी अपडेट आया था ना OB 35 या जो भी था, या और मतलब जो भी 20-30 MB का मतलब इन गेम अपडेट आता रहता है 1-2 MB का, उससे यार जो रेस कॉन्फ वाली जो फाइल रहती है ना वो फुल्ली चेंज हो चुकी है। मतलब उसका पूरा का पूरा जितना भी पार्टिकल्स रहता है मतलब कोडिंग का, हर एक चीज़ उसका पूरा इंटरफेस ही चेंज हो चुका है। जो कि पुराना वाला मेरा मतलब कॉन्फिग मेकिंग था NPC नेम का, वो देखोगे एंड अभी आज का देखोगे तो बिल्कुल अलग मेथड होने वाला है, बिल्कुल अलग कोडिंग रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी गजब की होने वाली है, फुल अपडेटेड वाली मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले तो तुम लोग को ये FF एंड FF मैक्स NPC नेम कोडिंग बाई इनसियोर गेमर्स, इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ पे देखो, ये जो 32-bit.zip करके फाइल रहती है जो कि मैं हर एक वीडियो के अंदर देता हूँ, इसका ज़रूरत तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग कॉन्फिग फाइल बनाओगे तो इसका ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये दोनों को अपने डाउनलोड के अंदर फोल्डर के मतलब रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा एक ये डाउनलोड फोल्डर बना हुआ है, देन इसके अंदर देखो मैंने कॉन्फिग का फोल्डर बनाया है, देन इसके अंदर देखो मैंने दोनों फाइल रखा हुआ है। अभी देखो ये रख लेने के बाद तुम लोग को ये जो 32-bit.zip रहेगा ये वाली फाइल, इसको ऐसा लॉन्ग प्रेस करना है। एंड देखो ये जो एप्लीकेशन मैं लॉन्ग प्रेस और एक्सट्रैक्ट वगैरह के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब लिंक तुम लोग को भी मिल जाएगा, ये MT मैनेजर है, लिंक तुम लोग को मिल जाएगा ठीक है कमेंट बॉक्स में। तो देखो ये 32-bit ऐसा मिल रहेगा, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, देन यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट 2 का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, देन ये वाला ऑप्शन रहेगा, इसको टिक करके ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद हमारी फाइल यहाँ पे देखो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। देन तुम लोग को ये जो जिप फाइल रहेगी, जिप फाइल को लात मार के ऐसा डिलीट कर देना है। अब देखो इसको डिलीट कर देने के बाद हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, अभी हमें गेम के अंदर से एक फाइल उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम लोग को आना है स्टोरेज डायरेक्टरी, देन तुम लोग को एंड्रॉइड के अंदर, यहाँ पे देखो एंड्रॉइड में आ जाने के बाद तुम लोग को डाटा मिलेगा डाटा के अंदर। एंड यहाँ पे देखो मैं FF मैक्स का बना रहा हूँ, तो मैं देखो ये FF मैक्स के फोल्डर के अंदर जाऊंगा, देन तुम लोग को देखो आ जाना है मतलब अपने गेम के अंदर गेम के फोल्डर के अंदर। तो मैं FF मैक्स के अंदर आऊंगा क्योंकि मुझे FF मैक्स का बनाना है। तुम लोग अगर नॉर्मल FF को बना रहे हो तो FF नॉर्मल FF के फोल्डर के अंदर जाना। और देखो मेथड बिल्कुल सेम है यार, तुम लोग यार पूछते रह जाते हो कि FF का बताओ, FF मैक्स का बताओ, इस सर्वर का बताओ, इस सर्वर का बताओ, मतलब अलग अलग तुम लोग यार पूछते रहते हो। लेकिन देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेथड सेम है, बस ध्यान से देखोगे बन जाएगा ठीक है, हर सर्वर का, हर अपडेट का और जितना भी। ठीक है, तो देखो मैं FF मैक्स के अंदर आ जाता हूँ, देन सेम इसी तरह तुम लोग को नॉर्मल के अंदर भी आ जाना होगा। देन फाइल्स में आना है, उसके बाद कंटेंट कैच में आने के बाद कंपलसरी, देन एंड्रॉइड में गेम असिस्ट बंडल, इसके बाद तुम लोग को मिलेगा कॉन्फिग का फोल्डर, यहाँ पे देखो कॉन्फिग। ठीक है, तो कॉन्फिग के अंदर आना है, कॉन्फिग के अंदर आ जाने के बाद देखो तुम लोग को थोड़ा सा ऐसा सबसे नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे देखो एक फाइल मिलेगी रेस कॉन्फ, यहाँ पे देखो मेरे में दो दो है तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ जो कि ओल्ड वाली रहेगी, तो ओल्ड वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी अभी शायद अपडेट आया था कुछ देर पहले ही 1-2 MB का, उससे दो फाइल बन जाती है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे डिवाइस में एक फाइल रहेगी रेस कॉन्फ, ठीक है ये वाली रेस कॉन्फ वाली, तो इस यही हमारी जो फाइल रहती है इसके अंदर ही रहेगा। एंड यार देखो बैकग्राउंड में बस वगैरह जा रही है, तो यार ये बकचोदी लोग की कुछ कमी नहीं है, इन लोग यार मतलब बस वगैरह आती है तो इसका मतलब थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, तो देखो ये रेस कॉन्फ है, इसको ऐसा इधर साइड ऐसा लॉन्ग प्रेस करके इधर साइड ऐसा कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी हो जाएगा हमारा इधर साइड, देन ओके। यहाँ पे देखो हमारा रेस कॉन्फ इधर साइड कॉपी हो चुका है, मतलब हमारा जो भी ये फाइल रहता है ये इधर साइड आ चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद अभी तुम लोग को अपना एक्सएगर एप्लीकेशन खोल लेना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे ओपन करना। हाँ, तो देखो यहाँ से मैं अपना एक्सएगर एप्लीकेशन ओपन कर ले रहा हूँ, तुम लोग भी इसी तरह इसको डाउनलोड करके सेटअप करके OBB वगैरह सब कुछ सेटअप कर लेना। ठीक है, देन इस पर आ जाने के बाद तुम लोग को थ्रीड आउट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे मैनेज कंटेनर मिलेगा, देन यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देखो ये कंटेनर मेरा पहले से ही बना है, देन तुम लोग को कंटेनर बनाने के लिए प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके कंटेनर बनाने रहा है। अब देखो कंटेनर बनाने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज़ पे आना है। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद तुम लोग को यहाँ पे देखो मिलेगा एक कलर डेप्थ, यहाँ पे देखो कलर डेप्थ मिलेगा, देन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसे 32-bit सेलेक्ट कर देना है। अब देखो इसको कर देने के बाद बैक आना है, देन फिर से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे रन एक्सप्लोरर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्लिक करते ही हमारी जो एक्सएगर एप्लीकेशन होगा वो ओपन होना चालू हो जाएगा। अब देखो एक्सएगर एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद तुम लोग को देखो मैंने, तुम लोग ध्यान से एक बार वीडियो को मतलब वापस से अपने दिमाग में लगाओ कि मैंने एक अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर क्या बनाया था, एक कॉन्फिग का फोल्डर बनाया था, तो वही सेम फोल्डर यहाँ पे हमारा दिख रहा है। ठीक है, देन तुम लोग को आ जाना है इसके अंदर, तुम लोगों ने जो फोल्डर बनाया होगा उसके अंदर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिख रहा है अभी,
32 बिट फाइल एंड ये जो कोडिंग थी कोडिंग दिख रही है एंड ये जो हमने गेम के अंदर से फाइल उठाई थी रेस्कॉन्फ तो वो दिख रहा है ठीक है। देन इसके बाद तुम लोग को यहाँ पे 32 बिट के अंदर आ जाना है, ऐसा डबल टैप करोगे इसके अंदर आ जाओगे। देन इसके अंदर आने के बाद तुम लोग को असिस्ट मंडल एक्सट्रैक्टर डॉट ई एक्स ई ठीक है ये फाइल मिलेगी, तो इसको ऐसा डबल टैप करना है। डबल टैप इसके ऊपर कर देने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, देन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद अरे यार नीचे चला गया, हाँ रुक जाओ, इस तरीके से ऐसा खुल जाएगा। देन तुम लोग को फाइल के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद ओपन, ओपन के पे ऊपर आ जाने के बाद तुम लोग को यहाँ पे माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर कॉन्फिग के अंदर एंड यहाँ पे ये वाली फाइल सेलेक्ट करने है रेस्कॉन्फ ठीक है। शुरुआत में देखो रेस्कॉन्फ लिखा रहना चाहिए, लास्ट में कुछ भी रहे अगड़म पगड़म उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शुरुआत में बोले तो रेस्कॉन्फ रहना चाहिए ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ऐसा टैप करोगे, टैप करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे देखो ओपन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन ऐसा मांगेगा, देन यस कर दें, यस कर देने के बाद तुम लोग को माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर कॉन्फिग के अंदर एंड कॉन्फिग नहीं वापस से बैक आना है डी वाले फोल्डर के अंदर ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद तो देखो यहाँ पे एक मिलेगा फाइल नेम ठीक है, तो फाइल नेम के ऊपर ऐसा टैप करोगे यहाँ पे देखो एक पॉइंटर आ जाएगा ठीक है। तो पॉइंटर आ जाने के बाद तुम लोग को देखो सबसे ऊपर ये क्या बोलते हैं ये कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा ठीक है, तो कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपना बोले तो कुछ भी नाम टाइप कर देना है। तो मैं अभी यहाँ पे देखो रैंडमली कुछ भी नेम टाइप करके एंड ऐसा कर देने के बाद तुम लोग को इसे सेव कर देना है। हाँ तो देखो उसको सेव कर देने के बाद अभी हमारी फाइल जो थी वो यहाँ पे इस तरीके से ऐसा खुल जाएगी, यहाँ पे देख लो हमारी फाइल इस तरीके से ऐसा खुल जाएगी। देन तुम लोग को यहाँ पे देखो एक मिलेगा इन्फो का बटन, इन्फो वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखो एक रहेगा रेस्कॉन्फ, यहाँ पे देखो रेस्कॉन्फ रहेगा, देन इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे देखो एक प्लगइन मिलेगा, प्लगइन्स का ऑप्शन यहाँ पे देखो प्लगइन्स ठीक है, तो इसके ऊपर टैप कर देना है। देन यहाँ पे देखो पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है ठीक है, पहला वाला सिलेक्ट कर देने के बाद तुम लोग को ओके कर देना है। ओके करने के बाद माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर कॉन्फिग के अंदर एंड यहीं पर इसको यहाँ पे देखो सेव मिलेगा, तो सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है ठीक है। अभी हमारी जो फाइल थी टीएक्सटी फाइल वो सेव हो चुकी है, अभी हम लोग चलते हैं वापस से एमटी मैनेजर के अंदर अपनी फाइल को एडिट करने के लिए। हाँ तो देखो यार एमटी मैनेजर के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे देखो हमने अभी ये वाली फाइल को सेव किया ना रेस्कॉन्फ CAB जो कि हमने एक्सागेयर से अपनी TXT फाइल को सेव किया है, तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे देखो तुम्हें मैं ये वाली फाइल डाउनलोड करवाऊंगा FF एंड FF मैक्स वाली जो NPC नेम कोडिंग है, तो ये डाउनलोड करवाऊंगा। देन इसके अंदर आना है, यहाँ पे आ जाने के बाद तुम लोग को देखो एक मिलेगा यहाँ पे सर्च कोड, एक मिलेगा रिप्लेस कोड ठीक है, तो तुम लोग को दोनों कॉपी कर लेना है। अगर तुम्हारे देखो तुम लोग को जैसे देखो मेरे कीबोर्ड में यहाँ पे देखो एक ऐसा मतलब फंक्शन है कि दोनों मैं कॉपी करूँगा तो एक एक सिलेक्ट करके मैं पेस्ट कर सकता हूँ ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने पहले से ही देखो यहाँ पे देखो कॉपी कर लिया है, देन यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ये पहला वाला मतलब कॉपीड आ रहा है एंड दूसरा वाला भी पहले से ही कॉपीड आ रहा है ठीक है। तो मैं इस तरीके से एक बार में दोनों कॉपी करके वहाँ पे एक बार में पेस्ट कर सकता हूँ ठीक है। एंड तुम्हारे अगर कीबोर्ड में ये फीचर है तो कर लेना यूज़, और अगर नहीं है तो वापस से एक बार मतलब उसको सेव करके बैक आना है, देन दूसरी वाली कोडिंग को कॉपी करके वापस से उसमें जाके पेस्ट करना है ठीक है। तो देखो मैंने एक एक करके देखो कॉपी कर लिया एक बार, और तुम लोग के लिए तसल्ली के लिए कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, देखो इतना ऐसे कॉपी कर लेना है एंड दूसरा वाला भी इतना कॉपी कर लेना है। देन बैक आता हूँ, देन यहाँ पे रेस्कॉन्फ CAB मिलेगा, इसके अंदर आना है एंड यहाँ पे देखो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सर्च पे आना है, यहाँ पे देखो सर्च पे आ जाने के बाद इसे हटाना है। तो देखो सर्च में तुम्हें क्या पेस्ट करना है, यहाँ पे देखो सर्च में तुम्हें ये पेस्ट करना है इन गेम प्लेयर स्नाइपर, देखो इन गेम अंडर स्कोर प्लेयर अंडर स्कोर स्नाइपर अंडर स्कोर उसके बाद कॉलीडर ठीक है। ये तुम लोग को इसी तरह सेम पेस्ट करके एंड नेक्स्ट वाला बटन मिलेगा इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इस तरीके से इस जगह पे रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे देखो इस जगह पे ठीक है। तो इसी के सेम नीचे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो इन गेम तो ये लिखा है इन गेम प्लेयर स्नाइपर कॉलीडर जो कि हाईलाइट हो रहा है हरे कलर से, इसका मतलब ये है कि हमने इसे सर्च किया है। तो सर्च के नीचे देखो तुम लोग ध्यान से देखो नीचे सर्च के नीचे देखो क्या लिखा है इन गेम स्लैश कैप्सूल ह्यूमन जो भी लिखा है ये वाला सिस्टम ये वाला देखो ध्यान से देख लो, तो ये वाला जो इसके नीचे का सिस्टम है तो नीचे वाले सिस्टम को ऐसा सिलेक्ट करना है इन गेम वाले को एंड जो स्लैश में है ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो तुम लोग नीचे वाले सिस्टम को ऐसा सिलेक्ट करना है, देन तुम्हारा ये जो कोडिंग है ये वाला इन गेम इन गेम स्लैश नेटवर्क AI पावन ये वाला ठीक है, मतलब ये वाला ये तुम लोग ध्यान से देख लो ये वाला जो कि मैं अभी हिला रहा हूँ इधर उधर, तो देखो ये वाला ठीक है, क्योंकि मेरे कीबोर्ड में ये फीचर है तो मैं दोनों एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, मतलब दोनों कोड को कॉपी कर सकता हूँ ठीक है। तो देखो तुम लोग को सिलेक्ट क्या करना है, ये दूसरा वाला ध्यान से सुन लो दूसरा वाला सिलेक्ट करना है ठीक है, मतलब उसके नीचे वाला सिलेक्ट ऐसा करके जितना मैंने सिलेक्ट किया उतना सिलेक्ट करके एंड ये वाला जो कोडिंग रहेगा इस वाले को ऐसा पेस्ट कर देना है ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा मतलब पहले जो कोडिंग था वो हट करके एंड ये पेस्ट हो चुका है ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग यार पेस्ट कर देना, एक बार मैं देखो इसको क्या बोलते हैं इसको वापस से कर देता हूँ पेस्ट।
हाँ देखो अभी यार मैंने फिक्स कर दिया है, क्योंकि इसका देखो कैपिटल लेटर हो गया था ना, अभी मैंने पेस्ट किया था, तो मेरे कीबोर्ड का कुछ एक और डिफ़ॉल्ट है कि कुछ भी अपने आप ही कैपिटल लेटर में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, अभी देखो पेस्ट हो चुका है, मतलब जो हमारा पहले वाली कोडिंग थी उसको हटा के मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, मतलब इन गेम नेटवर्क जो भी था इसको लगा दिया, ठीक है। अभी तुम लोग को अपनी कोडिंग को सेव कर देना है, ऊपर ये वाला सेव ऑल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखो सेव, ठीक है। तो अभी ये सेविंग हो रहा है एंड सेव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो चुका। अभी बैक आना है, बैक आ जाने के बाद तुम लोग को यहाँ पर देखो एक रेस्कॉन्प CAB ये वाला ब्लैक कलर का फाइल मिलेगा, तो इसको ऐसा लात मार के ऐसा डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद वापस से आना है अपने उसमें एक्सागर वाले एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो वापस से मैं उसे खोल लेता हूँ। हाँ तो देखो यार, बोले तो तुम लोग को अपने ये जो एक्सागर एप्लीकेशन रहेगा इसको दोबारा से खोल लेना है, एंड यहाँ पर देखो ये जो रेस्कॉन्प रहेगा इसको ऐसा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद तुम लोग को फिर से प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है, एंड इस बार यहाँ पर देखो तुम लोग को ये वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, इम्पोर्ट फ्रॉम TST, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। तो दूसरा वाला ऐसा सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट कर देने के बाद देन तुम लोग को ओके कर देना है, ठीक है। ओके हो गया हमारी फाइल, ओके कर देने के बाद तुम लोग को आना है माई कंप्यूटर D वाले फोल्डर के अंदर, कॉन्फिग के अंदर, एंड यहाँ पर आ जाने के बाद तुम लोग को ये वाली फाइल को सिलेक्ट कर देना है, रेस्कॉन्प CAB। देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, रेस्कॉन्प CAB, एंड यहाँ पे ये जो अभी हमने इसे एडिट किया है ना, तो इसी वाले को ऐसा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो गया, एंड सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा, देन तुम लोग को ओपन कर देना है। ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, एंड तुम लोग एक बार ध्यान से देख लो मॉडिफाइड के आगे एक स्टार लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसे मॉडिफाइड कर दिया है। देन इसको कर देने के बाद ओके कर देना है, ओके कर देने के बाद यस कर देना है। यस कर देने के बाद तुम लोग को फिर से फाइल के ऊपर टैप करना है। फाइल के ऊपर टैप करते ही तुम लोग को यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा सेव, तो सेव के ऊपर यहाँ पे आना है। आने के बाद तुम लोग को माई कंप्यूटर D वाले फोल्डर के अंदर, कॉन्फिग के अंदर, एंड यहीं पर इसको यहाँ पे देखो फाइल नेम के आगे, देखो फाइल नेम के आगे ऐसा टैप करोगे पॉइंटर आ जाएगा। पॉइंटर आ जाने के बाद तुम लोग को कीबोर्ड के ऊपर टैप करना है, एंड यहाँ पे अपना नाम अभी के लिए कुछ भी नाम टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NPC, ठीक है। तो चलो मैंने ये लिख दिया, देन इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद अभी हमारा एक आखिरी काम बचा है, उसको मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। तो वापस से अपना MT मैनेजर ओपन कर लेना है। हाँ तो देखो यार, MT मैनेजर के अंदर वापस से आ जाने के बाद अभी देखो हमने ये वाली फाइल सेव करी है ना, NPC वाली, ध्यान से देख लो। अभी मैंने इसको सेव किया है, तो इसको सेव कर देने के बाद तुम लोग को इसको इसका रियल नेम देना है। तो रियल नेम देने के लिए तुमने ये वाली फाइल को अपने गेम के अंदर से उठाया था ना, यहाँ पे देख लो ये वाली गेम के अंदर से फाइल को उठाया था, तो इसी फाइल को ऐसा लॉन्ग प्रेस करना है, रीनेम करना है, एंड इसका ये जो नेम रहेगा इसका नेम, इसी नेम को ऐसा सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑल, एंड इसी नेम को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद बैक आना है, एंड तुम लोग को ये इसके बाद ये दो फाइल डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, ये रेस्कॉन्फ एंड ये रेस्कॉन्फ, ठीक है। तो डिलीट कब करना है, नेम कॉपी कर लेने के बाद, ठीक है। तो मैंने नेम कॉपी कर लिया, अभी ये दोनों फाइल को लात मार के ऐसा डिलीट कर देना है, अब इनका काम खत्म, ठीक है। नेम कॉपी कर लिया, अब ये जो NPC लास्ट का फाइल हमारा बचेगा जिसको हमने मॉडिफाइड करके सेव किया है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, रीनेम करना है ये नेम हटा करके, एंड तुमने जो अभी ओरिजिनल नेम कॉपी किया उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करते ही हमारी फाइल जो थी वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अभी इसे गेम के अंदर डालना है, तो इसके लिए आ जाना है स्टोरेज, एंड इसके अंदर आने पर तुम लोग को एंड्रॉयड डाटा एंड मैं FMS का बनाया था मैंने, तो FMS के फोल्डर के अंदर आना है, तुमने जिसका बनाया है उसके अंदर आना है, ठीक है। देन यहाँ पे फाइल्स कंटेंट कैच कंपलसरी एंड्रॉयड गेम असिस्ट बंडल, एंड इसके अंदर आने के बाद तुम लोग को कॉन्फिग के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो ये वाली फाइल मिलेगी तुम्हारे गेम के अंदर, जो कि पहले से थी, क्या थी हमारी रेस्कॉन्फ। तो रेस्कॉन्फ को ऐसा लात मार के जो ओरिजिनल फाइल रहेगी डिलीट कर देना है। तो ओरिजिनल डिलीट हो गई, अभी तुम्हें ये जो रेस्कॉन्फ मिलेगा जो कि तुमने बनाया है मॉडिफाइड किया है उसे लॉन्ग प्रेस करना है, इधर साइड कॉपी कर देना है, ठीक है। हमारी फाइल इधर साइड कॉपी हो चुकी है, यहाँ पे देख लो हरे कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो अभी हमने इसको मॉडिफाइड कर दिया, रियल नेम दे दिया, एंड इसको गेम के अंदर लगा दिया, ठीक है। अभी तुम लोग यार गेम के अंदर जाके देखोगे तो तुम्हारा NPC नेम फुल्ली वर्क करेगा, किसी भी अपडेट का हो फुल वर्क करेगा, अगर अच्छे से देख करके बनाया होगा तो 100% वर्किंग करेगा, ठीक है। अभी काफ़ी सारे भाई लोग बोलते हैं कि भाई यार तुम हमें गेम प्ले क्यों नहीं दिखाते हो, मतलब गेम ओपन करके प्रूफ क्यों नहीं देते हो। तो देखो यार, तुम लोग को प्रूफ देने के चक्कर में मैं अपना चैनल नहीं डिलीट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी देखो मैं गेम ओपन करूँगा, NPC नेम या कोई सा भी चीट वगैरह गेम के अंदर लग जाएगा, और वो लगते ही यार मतलब गेम भी आ जाएगा रिकॉर्डिंग उसमें वीडियो में, और तुरंत चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन देखो आज तक मैंने जितनी भी कोडिंग दी है ना फुल वर्किंग दी है, ठीक है, ऐसे वैसे ही मैं मतलब यहाँ पे मतलब वीडियो नहीं डालता हूँ, ठीक है, बिल्कुल वर्किंग कोडिंग है। तुम लोग अगर अच्छे से देखोगे ना तो कोई सा भी बंदा बना सकता है, एकदम चूतिया से चूतिया बंदा भी, ठीक है, जिस मेथड से मैं बताता हूँ जितने अच्छे तरीके से उसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब बाकी बातें चलती रहेगी, एंड वीडियो को मैं नहीं दिखा सकता हूँ यार, कितना भी कमेंट कर दो, क्योंकि चैनल डिलीट हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी मेंबरशिप वगैरह मैंने ऑन कर दिया है चैनल पे, ज्वाइन बटन, तो जाओ ज्वाइन करो एंड ऑसम फीचर्स का मज़ा उठाओ, जिसके अंदर मैं तुम लोग को चिप
कोडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, अलग अलग तरीके जितनी भी कोडिंग रहती है सब मैं प्रोवाइड कर देता हूँ उसके अंदर। तो जाओ ज्वाइन बटन पे कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें अपना कमेंट सबसे ऊपर करवाना है जिससे कि मैं तुम्हारा कमेंट जल्दी पढ़ूँ, तुरंत पढ़ूँ, रिप्लाई करूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है, अगर ऐसा करवाना है तो नीचे मैंने इसी वीडियो के ऊपर नीचे मैंने शेयर बटन के बगल एक थैंक्स बटन भी ऑन करवा दिया है। तो उस थैंक्स वाले बटन पर क्लिक करके तुम लोग अपना कमेंट मतलब कर सकते हो। एंड बोले तो उसके लिए थोड़ा सुपर चैट टाइप का रहेगा, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। सारे फीचर्स मैंने ऑन करा दिए हैं, जिसका तुम्हें लाभ उठाना हो तो उसका लाभ उठा सकते हो। तो और तुम्हारा कोई भी अखंड प्राणी दोस्त हो तो उसे ज़रूर शेयर कर दिया करो यार, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ तुम लोग शेयर नहीं करते हो, क्योंकि ताकि ज्ञान सबके ऊपर मतलब सबको मिलता रहे, ठीक है, ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको सबको मिलना चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, एंड आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।